अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे और अपने अमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है करेले गोश्त बनाने की। तो सबसे पहले ये करेले काट लेते हैं। तो ये इस तरह काटेंगे। मैं करेलों की ये स्किन ऊपर की नहीं उतारती। करेलों का छिलका तो होता ही नहीं है, पता नहीं लोग कहते हैं करेलों का छिलका उतारा है, तो मैं इनको ऐसे ही काटूंगी। इनके बीज निकाल लें। इस तरह इनके बीज निकाल के, तो चाहे आपको इतने इतने टुकड़ों में काट लें, ये आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे काट लें। तो मैं इसी तरह ये सारे करेले कट कर लेती हूँ। मिलते हैं फिर ये सारे करेले काटने के बाद। ये सारे करेले कट हो गए हैं, तो अब इनको मैं नमक लगा के रखती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। इनमें इस तरह 2-3 चम्मच नमक डाल के और ऐसे मिक्स करके इनको आधे पौने घंटे के लिए रख दूँगा। आधे घंटे बाद मैं इनको धो के अच्छी तरह वॉश करके इनको और मैं निचोड़ लूँगी इनको जी। तो ये करेलों को मैंने नमक लगा के रखा था तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए, तो मैंने अच्छी तरह इनको 3-4 पानियों में धो के और मैंने अच्छी तरह ये निचोड़ लिए। और आपको एक और बात बता दूं, अगर ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं करेलों में नमक ना भी लगाएं तो करेले तलने से बिल्कुल कड़वाहट नहीं रहती। ये पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट चला है नमक लगा के रखने वाला। मुझे तो लगता है ये सिर्फ मज़ेदार होते हैं उसके बाद करेलों में नमक होता है इस वजह से, वरना ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसे बगैर नमक के भी इसे जब आप फ्राई करेंगे तो इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चले मैं आप इनको फ्राई करती हूँ। मैंने ये 1 से 1.5 कप ऑयल लिया है। मैंने सरसों का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप ये इससे कम ये 1 कप में भी करेले तले जा सकते हैं। अब इसी ऑयल में मैं ये करेले पकाऊंगी बाद में, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ तो वो मैं निकाल लूँगी। इनको फ्राई कर लेंगे तो इसकी बिल्कुल कड़वाहट नहीं रहेगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे इनको फ्राई करने के बाद जी। तो ये इस तरह हो गए हैं। अभी थोड़ी सी इनमें कसर है, थोड़े से और गोल्डन से होंगे तो उनको निकाल लेने। करेले ज़्यादा जलाने नहीं चाहिए बिल्कुल। आप ज़रा से गोल्डन ब्राउन करेंगे तो बिल्कुल भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। और दूसरा नमक का जो मैं बता रही थी, आप देखें कि अक्सर करेलों को नमक लगा के घंटा रख भी लें फिर उनको अच्छी तरह धो लें, लेकिन करेला खा के देखें तो वो करेला कड़वा ही रहेगा। तो उसकी कड़वाहट वो कैसे जाती है फ्राई करने के बाद। तो जिनको भी हेल्थ इशू है, कुछ भी है, जो नमक नहीं इस्तेमाल करना चाहते, वो बग़ैर नमक के करेले ट्राई करके देखें इस तरह पका के, फिर मुझे बताना है आपने कि कड़वे रहते हैं करेले के नहीं। हमेशा तलने से करेले की कड़वाहट जाती है। तो ये देखें, ये आप इनकी आवाज़ आ रही होगी। अब ये बिल्कुल कड़क हो गए हैं और इनका कलर भी बस इतने ही चेंज हुआ, बिल्कुल काले स्याह करेले नहीं करने। इस तरह जब गोल्डन ब्राउन से हो जाए तो आपने, मैं अब इनका चूल्हा बंद करने लगी हूँ। ये अब फ्राई अच्छी तरह हो गए हैं करेले। मैं अभी इस चम्मच की मदद से इनको साफ कर लूँगा। ये देखें ऑयल भी कितना सारा इसका बच गया। ये 1 कप ऑयल में भी तले जा सकते थे, मेरा थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था। मैं कुछ इसी में ये बाकी हांडी पकाऊंगी और कुछ मैं निकाल लूँगी ऑयल। तो ये जी करेले फ्राई हो गए हैं। ये मेरे पास 1.5 किलो करेले थे, इनमें 1 किलो चिकन है, और ये मेरे पास 7 से 8 दरमियाने साइज़ के प्याज थे।
जो मैंने कट कर लिए हैं, और ये इसमें हाफ चम्मच नमक है, क्योंकि नमक करेलों में भी है तो आपने अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा, मसाले तो वैसे भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये मेरे पास एक चम्मच कुटी लाल मिर्च है और एक ही चम्मच हल्दी है। हल्दी भी कुछ लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मैं ज़्यादा करती हूँ। आप जितनी आपकी पसंद है उस हिसाब से आप ये मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास एक ही चम्मच धनिया है और ये तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच ही लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये थोड़ी सी हरी मिर्ची हैं कटी हुई और ये थोड़ी सी साबुत है, ये मैं ऐसे ही डालूंगी। और ये मेरे पास 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जो मैंने काट लिए हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर आपने ग्रेवी के लिए, शोरबे वगैरह के लिए प्याज काटना है तो आप इस रुख का काटेंगे। ये प्याज शोरबे में जल्दी गलता है, लेकिन सब्जियों में प्याज थोड़ा खड़ा अच्छा लगता है, तो सब्जियों में प्याज इस रुख का काटना चाहिए। ये मैंने एक पीस आपके लिए इसलिए बचा के रखा हुआ था। किचन में जो लोग काम करते हैं उनको तो यकीनन सारी बातें पता होती हैं, लेकिन कुछ बच्चियाँ, कुछ लोग नए सीखने वाले होते हैं, ये छोटे छोटे टिप्स उनके लिए होते हैं। तो ये मैं इसे भी कट कर लेती हूँ और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वही आयल है जिसमें मैंने करेले तले थे, थोड़ा सा मैंने निकाल लिए बिल्कुल ज़रा सा, और अब मैं इसमें ये प्याज फ्राई करूँगी। प्याज बिल्कुल ब्राउन नहीं करने, अभी जब मैं इनको करके निकालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप ये भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कुछ लोग प्याज ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम। मुझे सब्जियों में वैसे ज़्यादा ही प्याज अच्छे लगते हैं, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जैसे चाहें आप कर सकते हैं। तो ये प्याज इस तरह छोटे हो गए हैं, तो इनको मैंने अब निकाल लेना। ये थोड़े से प्याज मैंने रहने दिए हैं, आप निकाल भी सकते हैं, और इनके साथ ही अब ये चिकन फ्राई होते हैं। तो अब ये गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है, पानी खुश्क हो गया, तो अब इस पे इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट। जिसको ऐसे पसंद हो लहसुन अदरक वैसे डाल लें, वैसे इसमें चॉप करके भी लहसुन और अदरक डालें तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बाद लोगों को उनके उसके चम्स मुँह में आधे अच्छा नहीं लगता, बच्चे ज़्यादातर नहीं खाते, इस वजह से टेस्ट भी डाल सकते हैं आपकी अपनी मर्जी में। तो ये थोड़ा सा लहसुन अदरक के साथ मैंने चिकन फ्राई कर लिए, अब इसमें ये तमाम मसाले डाल देंगे। आप ये करेले गोश्त मटन में भी बना सकते हैं, मैं चिकन में बना रही हूँ, मैं मटन में भी इंशाल्लाह बनाऊंगी। मटन और बीफ मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे पास इस टाइम चिकन अवेलेबल था तो मैंने चिकन में बना ली है। हमने साथ इसमें टमाटर डालें। आप कोई भी चीज़, प्याज मसाले वगैरह अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने घर में अपने बॉस हैं, जो चाहें करें। और ये चिकन को थोड़ी सी 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच से दम देंगे, तो ये इसी टमाटरों के पानी में चिकन जो है वो गल जाएगा। और अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप जो ऑयल आपने उतारा था वो बाद में भी आप ऑयल डाल सकते हैं। तो अब इसकी बिल्कुल आँच ऐसा कर दें और इस पर ढक्कन लगा के ऐसे 5-7 मिनट के लिए चिकन को गलने के लिए रख देते हैं। तो ये देखें, ये टमाटरों का अपना ही पानी है, कोई फालतू पानी मैंने इसमें नहीं डाला। तो
थोड़ा सा और खुश्क होगा, फिर इसे भून के करेले शामिल करूँगा। ये देखें टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और ये घी सेपरेट होना शुरू हो गया है, इस वजह से मैं ये मिर्चें डाल रही हूँ। सब्जियों में मुझे ये हरी मिर्चें साबुत अच्छी लगती हैं, आपको पसंद है तो आप डालें। बस मटन और बीफ का ये फ़र्क होता है कि आपको उसको गलाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो उसको गलाने के बाद सारे मसालों के बाद जो ये स्टेज आए तो बाकी करेले और ये प्याज वगैरह शामिल कर दें, तो सेम रेसिपी है, बस गोश्त गलाने में थोड़ी सी वो उसमें डिफिकल्टी होती है। इसमें अब ये जो प्याज तल के रखी थी ये शामिल कर देते हैं। साथ ही ये करेले, इसमें थोड़ी सी ये मिर्ची शामिल करते हैं और इनको बस 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ करेले नरम होने तक ये दम लगा देते हैं, बिल्कुल लाइट कम रखनी है। बीते से 4 से 5 मिनट हुए हैं, ये देखें बिल्कुल पक के तैयार हैं, ये करेले नरम हो गए हैं और मैं इनको डिश आउट करती हूँ। ये तो ये करेले गोश्त बन के आपके सामने बिल्कुल तैयार है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसी बनी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।